नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्लिक इंडिया आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। क्लिक इंडिया की स्टोरी का बड़ा असर हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है। ये वीडियो वाराणसी से आई थी, वीडियो एजेंसी थी पीटीआई, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी। इस एजेंसी ने खबर ये चलाई कि टमाटर की वजह से यहां पर सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए हैं। ये देखिए इनकी तस्वीर, और ये शख्स जिसके ऊपर गोला लगा हुआ है, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं दुकानदार हूं, सब्जी बेचने वाला हूं। जब ये स्टोरी पीटीआई ने ट्वीट की, इसके बाद ट्विटर पर हंगामा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में बॉडीगार्ड पर लगाकर टमाटर बेचा जा रहा है। टमाटर महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। टमाटर 150 रुपये किलो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अदरक महंगी है, इसमें कोई शक नहीं है। मिर्च महंगी हो गई, कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस तरह की स्टोरी, जो प्लांटेड स्टोरी है, उसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी पीटीआई कवर करती है, और कवर करने के बाद एक एजेंसी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है, और इसने इसको इस विजुअल को सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया। अब जरा आप सुनिए, जरा मैं ऑडियो सुनाना चाहता हूं आपको कि इसके इनके पत्रकारों ने क्या स्टोरी बनाई। जरा ऑडियो सुनिए। And the shopkeeper laments that most people just cannot afford to buy the vegetable. मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है, कई जगह घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था, इसलिए यहाँ पे बात विवाद ना हो, इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं। महंगाई इतनी। अब देखिए, ये आदमी जो है ये कह रहा है कि मैंने टमाटर मंगा रखा था और मारा मारी ना हो, इसलिए हमने बाउंसर लगा दिया। जनरली हम लोग बाउंसर रेस्टोरेंट में देखते हैं, होटल्स में देखते हैं, बड़े बड़े जगहों पे देखते हैं, मॉल में देखते हैं, लेकिन टमाटर के लिए बाउंसर, बड़ा ही हद प्रब कर देने वाली खबर थी। और इसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी पीटीआई ने डाल दिया। चलो एजेंसी पे डाल दिया, इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एजेंसी खबर दे सकता है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल इसने कि विजुअल पे उसने अपनी स्टोरी बना के स्टोरी को प्लांटेड कर दिया इसको, यानी इसको एंटी गवर्नमेंट स्टोरी बना दी इसने। और जब 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 अब हुआ कैसे, अब इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, हुआ ये कि मैं, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है कुंदन श्रीवास्तव के नाम से, जब मैंने इसके खिलाफ ट्वीट किया, जब मैंने कहा कि टमाटर महंगा हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह ड्रामा है, और पीटीआई जैसे गरिमा वाले संस्था को यह समझना चाहिए कि उसे इस तरह की स्टोरी को कवर करना चाहिए या नहीं, या अपने या आपके क्रेडिबिलिटी और न्यूज सेंस पे सवाल उठाता है। ये ट्वीट किया मैंने 4:54 पे, और देखिए उसका असर क्या हुआ। 7:57 पर पीटीआई ने इस स्टोरी को अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया। अब उसने पीटीआई ने लिखा, अर्लियर टुडे पीटीआई ट्वीटेड अ स्टोरी अबाउट अ वेजिटेबल वेंडर इन वाराणसी हायरिंग बाउंसर इन द लाइट ऑफ हाई प्राइस ऑफ टोमेटो। इट हैज सिंस कम टू आवर नोटिस दैट द वेंडर इज अ वर्कर ऑफ द समाजवादी पार्टी। नाउ 5 घंटे स्टोरी चलने के बाद इनको यह समझ में आता है कि यह जो वेंडर था वह समाजवादी पार्टी का था। अब देखिए जरा पीटीआई की चालाकी। और सवाल मेरा यह था कि भाई जब आपने, और फिर मैंने इस पर ट्वीट किया, इनके ट्वीट पे भी मैंने ट्वीट किया कि पीटीआई फिर झूठ बोल रहा है। जिसने भी ये स्टोरी डाली और जो भी इनके तथाकथित इनके संस्थान में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्यों नहीं इसको रोका, उनकी समझ क्यों नहीं आई कि भाई ये स्टोरी प्लांटेड हो सकती है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों की संस्था है आपकी, और इतनी बड़ी गलती होती है आपके यहां, और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप स्टोरी डालते हैं, और जब मैंने इसको ट्वीट किया, जब मैंने इनकी गलती को उजागर किया, तो इन्होंने तुरंत जो है उस खबर को हटा लिया, अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया। तो आप सोचिए कि न्यूज एजेंसी पीटीआई हिंदुस्तान की सबसे भरोसेमंद एजेंसी है, पार्लियामेंट में हो, सरकारी संस्थान में हो, हर जगह इनको एक चेयर दी जाती है, इनको बैठने की जगह दी जाती है। ये माना जाता है कि पीटीआई पे चली खबर सबसे पुख्ता होती है, सबसे सच होती है, लेकिन आप देखिए कैसे झूठ खबर पीटीआई फैला रहा था। उसके बाद सवाल ये उठता है कि जब जब ये आदमी, आप इस आप वीडियो में देखेंगे, आप ये आदमी लगातार बोल रहा है, ये अपने आप को दुकानदार कह रहा है, जबकि इसे इसके पीछे बैठा हुआ शख्स ये दुकानदार है, और इसने बजाते बोर्ड लगाया है इसने, कृपया टमाटर और मिर्च को ना छुए। और देखिए एक आदमी को बुलाया इसने, वो आके ऐसे छूता है, बाउंसर उसको मना करता है। मतलब पूरी स्टोरी ड्रामेटिक है, पूरी स्टोरी को प्लांट किया गया है। न्यूज में अगर आपने स्टोरी प्लांट की तो फिर वो न्यूज तो होता नहीं है, वो तो प्लांटेड स्टोरी हो गई।
अब आप देखिए आदमी जाता है बार बार इसको मना करता है कि भाई आप मत जाइए। आप देखिए उस विजुअल को, और ये बाउंसर खड़ा है इनका, ये बाउंसर खड़ा है, पूरे से विजुअल बनाया जा रहा है अच्छी तरह से, इसको इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये आदमी आ रहा है बयान दे रहा है, और इसके गले में पट्टी देखिए समाजवादी पार्टी की पट्टी है, कलर भी वही है, फिर भी पीटीआई के पत्रकारों को नहीं दिखाइए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई ने इसको जानबूझ के किया, क्या सरकार को बदनाम करने की साजिश थी उसकी वजह, यह तो पीटीआई ही बताए। फिलहाल हम ऐसी ही और बड़ी खबरें लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।